करते हो, तुम जाओ और झारखंड का माहौल खराब करने का प्रयास करो और केवल और केवल मंदिर मूर्तियों को निशाना बनाया जाता है ताकि सभी हिंदू रोड पे उतरे, अंततः FIR खाए और हिंदू लोग जेल चल जाए और उन लोग ऐस करते हैं। ये षड्यंत्र है, हमारे भगवान का अपमान किया जा रहा है, बजरंग बली का सीता मैया का आरती कर रहा है, जिसका हाथ तोड़ दिया जाता है और हम लोग केवल आंदोलन करके कब तक होगा ये? भैया झारखंड को एक कुशल नेतृत्व करता की आवश्यकता है, योगी आदित्यनाथ जैसा नेता चाहिए झारखंड में। इस प्रकार का अगर कोई घटना घटे तो डायरेक्ट अरे भैया पुलिस व्यवस्था जो है प्रशासन समृद्ध है, शक्तिशाली है, पुलिस ताकतवर है, हथौड़ा बांध देगा सरकार और बोलेगा पकड़ो, कैसे पकड़ेगा? पुलिस के हाथ बांध देता है, गोड़ बांध देता है, बोलता है अपराधियों को पकड़ो, क्या करेगा पुलिस? अरे भैया झारखंड में ही कहे क्या लगता है ये कब रुकेगा और कैसे रुकेगा? देखिए अब झारखंड के युवा जागरूक हो गए हैं, ये जान रहे हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसा नेता चाहिए। आज का जो युवा बेवकूफ नहीं है कि रोड में खड़ा होकर जैसे राम और धर्म के प्रति इनका समर्थन है, हिंदू समाज जागरूक हो गया है और अंततः अगर ये जल्दी नहीं रुका दोबारा कोई ऐसा घटना घटती है भारत वर्ष में चरणवाद आंदोलन होगा और एक हिंदू बहन जो जय श्री राम का निकल रहा है वह आग बन करके पकड़ेगा लेकिन कोई पगला को पकड़ के ले आता है, बोलता है ये पागल है, ये अपराधी पागल। इससे जब हिंदू समाज पागल हो जाएगा तो बहुत भयानक खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हो जाएगा। आगरा प्रशासन हम लोग को इसके लिए SIT गठित कर दी गई है, 5 अफसरों की, जब पकड़ेंगे ये बोल रहा था कौन जैसे बिना बोला।